लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। बबीना में वेतन न मिलने से नाराज भेल शिक्षा निकेतन के शिक्षक विद्यालय में बैठे अनशन पर। उन्होंने कहा कि कल केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से कराएंगे अवगत। मोट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिनों पूर्व हुई चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी और बीमारी को लेकर युवक ने की थी चोरी। गुमशुदा अपहर्ताओं को सकुशल बरामद कर सर्विलांस सेल प्रभारी ने परिवार को किया सुपुर्द, जिसको लेकर हमीरपुर पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर सर्विलांस सेल प्रभारी आनंद साहू को किया सम्मानित। जनपद हमीरपुर में पिछले 3 महीनों में 363, 366 और गुमशुदगी की ली गई है, उनमें टोटल 65 लोगों की बरामदगी सर्विलांस सेल के द्वारा की गई है। इसमें सर्विलांस सेल और थानों का एक टाइप टीम बनाई गई थी, जिनमें हम लोगों ने उनको टाइम काम डेडिकेट किया था कि कौन सा थाना कौन टीम देखेगी। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास करते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए सर्विलांस में टीम ने इसमें बहुत अच्छा काम किया और उसी का फलस्वरूप उनको विभिन्न थानों में 65 लोगों की कुल पिछले 60 दिनों में 65 अपहर्ताओं की या गुम हुए जो लोग थे उनके बरामद। छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान सहायक कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, ग्रामीण तहसीलदार, नापा CMO, सिविल सर्जन, RMO, डॉक्टर व कोतवाली TI सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के दौरान तेज रफ्तार पिकअप सामने से आ रही डंपर से टकराई, हुआ एक्सीडेंट। वहीं कुछ लोग घायल हुए जबकि 4 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर की मां नंदा देवी मंदिर में बीते दिन हुई चोरी के मामले में महाराजपुर पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। इन चोरों के पास से 4 मंदिर की घंटी व 1 कीपैड मोबाइल फोन किया गया है बरामद। कानपुर देहात में थाना रनिया के अंतर्गत फैक्ट्री में चोरी करने वाले 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इन चोरों के पास से चोरी का सामान भी किया गया है बरामद। साथ ही दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर भेज दिया गया है जेल।